जनपद रुद्रप्रयाग के मदोला गांव में 14 दिसंबर से पांडव नृत्य का भव्य आयोजन किया गया है। बता दें कि इस पांडव नृत्य का भव्य आयोजन 14 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। इसी क्रम में आज सोमवार को पांडवों के देव निशानों और अस्त्र शस्त्रों को विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर से पांडव चौक तक जयकारों के साथ ग्रामीण द्वारा लाया गया। सदियों पुराने इस देव परंपरा का ग्रामीण आज भी मिलकर पालन करते आ रहे हैं। पांडव नृत्य को लेकर आचार्य हर्षवर्धन खाली ने बताया, आज से पांडव देवताओं के देव निशानों यानी बाणों के साथ नृत्य शुरू होगा और इस दौरान प्रत्येक घर से पांडवों के लिए भोग प्रसाद आदि चढ़ाया जाएगा। भीमसेन के प्रश्वाद दिग्पाल सिंह नेगी ने बताया कि 24 दिसंबर को मोरू डाली कोथिंग और 27 दिसंबर को चक्रव्यूह का आयोजन किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मधुरा में प्राचीन काल से पांडव नृत्य चल रहा है और 14 दिसंबर से ही प्रारंभ किया गया। आज पांडवों का जो अस्त्र शस्त्र है, बाण जिसको कहते हैं, उनको आज यहाँ पर लाया गया यथा स्थान से। और यहाँ पर जो हमारे मधुरा गांव में पौराणिक काल से पांडव नृत्य होता आ रहा है, आज उसमें हमारे जो 18 दिसंबर की बात, आज पांडवों के जो निशान उनको निकाला जाता है, उनकी पूजा विधिवत ढंग से की जाती है और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा।